इसे अंबाला हरियाणा से मां प्रियंका ने पूछा है। पूछती हैं, बच्चों के क्रोध के प्रभाव को कैसे कम करें। कृपया ये भी बताएं कि बच्चों को अध्यात्म से कैसे जोड़ें। पहले आओ ये जानते हैं कि बच्चे या बड़े क्रोध क्यों करते हैं। कृष्ण से भी अर्जुन यही पूछ रहा है, तो कृष्ण क्या जवाब देते हैं, कामात क्रोधो भी जायते। कामना से क्रोध का जन्म होता है। कामना क्या है, अपेक्षा। हम सब संबंधों में, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, एक दूसरे से कुछ न कुछ कामना करते हैं। और जब हमारी कामना भंग होती है, हमारी कामना जब पूरी नहीं होती है, तो क्रोध होता है। क्रोध का सीधा साधा विज्ञान है जो आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने दिया है। यह विज्ञान शाश्वत है, कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी रहेगा। अब बच्चों के मन में कामना है, अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, अपने इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनसे उनकी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। तो पहली बात हमें यह समझना है कि बच्चे की अपेक्षा जब पूरी नहीं होती है तो गुस्सा करता है। अब उसके गुस्से को कम कैसे करें, ये बड़ा सुंदर प्रश्न है और सबके काम का ये प्रश्न है। तो पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों के सामने खुद क्रोध मत करो, कम से कम करो। तो पहला, क्यों, पहले जो टीचर्स होते हैं बच्चे को, माँ बाप होते हैं, वो जैसा वो देखता है बच्चा। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे याद नहीं है कि मेरी उपस्थिति में कभी, जब मैं छोटा था तब की बात कह रहा हूं, जब बड़ा हो गया तो फिर चीजें सामान्य हो गई, लेकिन जब मैं छोटा था तो मुझे स्मरण नहीं है कभी माँ बाप ने एक दूसरे पर क्रोध किया या ऊंची आवाज में बोले। तो मेरे लिए एक अनुकरणीय बात रही कि क्रोध नहीं करना चाहिए। तो माँ बाप जैसा करते हैं बच्चे उनसे वही सीखते हैं। तो जो माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्रोध नहीं करें, गुस्सा नहीं करें, तो पहला प्रयास तो उनको स्वयं ही करना चाहिए कि वे कम से कम गुस्सा करना ही हो तो बच्चों को नहीं पता चलना चाहिए कि आप एक दूसरे से लड़ रहे हो या एक दूसरे से गुस्सा कर रहे हो। ये पहली शुरुआत है। एक उदाहरण मुझे याद आता है, महात्मा गांधी के पास एक महिला आई और अपने बच्चे के साथ आई और कहा कि बाबू ये गुड़ बहुत खाता है। महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, एक महीने बाद। उसने कहा इसको समझा दीजिए। महात्मा गांधी ने कहा कि समझा दूंगा, एक महीने बाद आना। बच्चे को लेकर के महिला एक महीने बाद आई और वही प्रश्न दोहराया। बापू ने कहा, बड़े प्यार से बच्चे को बुलाया और कहा कि बच्चे गुड़ नहीं खाते, गुड़ स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए ना। बच्चे ने कहा हाँ बापू, और बच्चा जाने लगा। तो माँ ने पूछा कि ये बात तो आप एक महीना पहले भी कह सकते थे। महात्मा गांधी ने कहा नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं उस समय मैं ही गुड़ खाता था। अब देख लो जो तुम्हारे आचरण में है वो बात तुम कहो तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो पहली बात कि बच्चों के सामने आप स्वयं क्रोध नहीं करो। दूसरा, बच्चा कुछ अपेक्षा करता है, वो कुछ आपसे मांग रहा है। अगर जो मांग रहा है अगर वही चीज आपको, आप उसे दे देते हैं, तो उसकी आदत पड़ जाती है कि जब हम गुस्सा करेंगे तो माँ बाप मेरी अपेक्षा पूरी करेंगे। तो उसका एक नियम है। नियम क्या है, बच्चा जो मांगने के लिए जिद कर रहा है, हर बात में ये लागू नहीं होता, बच्चे हर बात में गुस्सा भी नहीं करते कि जो मांगा नहीं हुआ तो गुस्सा करेंगे, वो जब जिद करें तब बच्चे को वह नहीं दो जो वो मांग रहा है, उसके अलावा कुछ और दे दो, चाहे उससे बेहतर क्यों ना हो। ये सूत्र है, खूब काम का सूत्र है। बच्चों को दो जरूर और ऐसी चीज दो जिससे बच्चा खुश हो, मगर वह चीज नहीं दो जो वह मांग रहा है। ये दूसरी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ और दो जो बच्चे को भाए, उसके मन को भाए, तो वो जिद करना छोड़ देता है। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो देना जरूरी है और बच्चे के लिए वो महत्वपूर्ण भी है, आप भी जानते हो, तो
अब उसको पुरस्कार के रूप में दो, कुछ टारगेट रखो कि ठीक है अब बच्चे साइकिल के लिए जिद कर रहा है तो अब कुछ उसका टारगेट दो कि अच्छा इस बार तुम इम्तहान में अगर 90 अंक लाओगे तो हम तुमको साइकिल देंगे। अब बच्चा जी जान से लगेगा वो 90 अंक प्राप्त करने के लिए, और फिर चाहे वो 90 अंक ना भी प्राप्त करे, आप कहें कि तुमने कोशिश तो की, ये बात तुमको क्वालिफाई करती है कि हम तुमको ये साइकिल पुरस्कार स्वरूप दें। तो बच्चे को लगेगा कि अगर हमको कुछ मांगना है, अगर हमको कुछ माँ बाप देंगे तो आई हैव टू डिजर्व इट। ऐसा नहीं कि बिना डिजर्व किए हम जो भी चाहें और अपने माँ बाप से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो देना जरूरी हो तो उसको पुरस्कार स्वरूप अवश्य दें। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा, जो चौथी महत्वपूर्ण बात है, अक्सर माँ बाप बच्चे को सलाह देते रहते हैं, ये कर लो बेटा, यू डोंट डू दिस, यू डू दिस। तो मैं आपको विनम्र निवेदन करूंगा कि आप बच्चे को जब तक बच्चा आपसे मांगे नहीं, अनामंत्रित सलाह मत दो, हर बात में उसको टोको नहीं। इससे क्या होता है कि अपना विवेक उसका जगता नहीं, वो सोचता है कुछ गलत करेंगे तो माँ बाप बता देंगे, तो इसलिए वो आप पर पूरी तरह निर्भर हो गया, वो खुद मनन नहीं करता है, वो खुद अपनी प्रज्ञा को नहीं जगाता है, वो सोचता है, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील करता है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को शुरू से रिस्पॉन्सिबल होना सिखाएं। तो बच्चे को सलाह मत दे, बल्कि उल्टा, बच्चा छोटा हो लेकिन आप उससे सलाह ले कि हम ऐसा सोच रहे हैं, हम घर के लिए ऐसा सोच रहे हैं, परिवार के लिए ऐसा सोच रहे हैं, तुम्हारी क्या सलाह है, हम कैसे इसको बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं। चाहे आप घर बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी डिसीजन परिवार के लिए कर रहे हो, तो आप बच्चे से पूछो और बच्चा सलाह देगा, चाहे उसकी सलाह जैसी भी हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहेंगे वो छोटा बच्चा है वो क्या सलाह देगा, ये महत्वपूर्ण नहीं। आपने सलाह उससे मांगी, आपने उसको इतना रिस्पेक्ट दिया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या होगा, इससे बच्चा शुरू से अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करेगा। मैं खुद आपको अपनी बात बताता हूँ, मेरे माता पिता ने मुझे कोई सलाह नहीं दी, और बचपन से 6-7 वर्ष का मैं था तब से ही उन्होंने मुझसे सलाह मांगी। अब शुरू से इतना रिस्पेक्ट उन्होंने जब मुझे दिया तो मैं बहुत ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझने लगा। और जब मेरे साथी हमारे गांव के किसी के बगीचे में जाके अमरूद चुराया करते थे तो मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे माता पिता, और माता पिता चूंकि रिस्पेक्ट देते थे, और मेरे घर पर एक संत आते थे जानकी बाबा, उन्होंने भी कुछ ऐसी आदरणीय बात मेरे बारे में कही थी, तो गाँव वाले भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसी बदमाशी कैसे कर सकता हूँ, तो मैं कभी इरिस्पॉन्सिबल व्यवहार कभी भी नहीं कर पाया। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि बच्चे को शुरू से आप रिस्पेक्ट दें। आज सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल बच्चा तब महसूस करता है जब पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए आप उसकी सलाह लेते हैं। और जो पांचवी बात जो महत्वपूर्ण है कि जो गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट के सामने हम अनजाने में या जानबूझ के भी वो बच्चे की शिकायत कर देते, बड़ा शरारती है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, तो बच्चा सोचता है कि मुर्दे पर जैसे 9 मन वैसे 10 मन, आप हमको शरारती मानते ही हो तो फिर हम शरारत करते ही हैं, दिक्कत कहाँ है। गेस्ट के सामने उसका जो गुण वाला पक्ष है तो उसको आप थोड़ा सा बताएं, तो फिर अपने गुण को बढ़ाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरा ग्रैंड सन जोश बचपन में मेरे साथ रहता था, वो बड़ा शरारती था, और खास करके जब कोई गेस्ट मेरे घर पर आता था उस समय वो ज्यादा शरारत करने लगता था, वो सोफा से उछल रहा है, कूद रहा है ताकि गेस्ट का ध्यान उसकी ओर जाए, आकर के बैठा और शरारत भरी नजरों से वो देखने लगा इधर उधर कि अब शरारत शुरू की जाए। तो जो गेस्ट आए थे उन्होंने कहा कि अच्छा, इसके परिचय ने कहा ये जोश है, वो मेरा ग्रैंडसन है और बहुत ही शरीफ है, बड़ा सज्जन है, और ये इतना शांत रहता है कि बहुत ही शांत बच्चा है। एक्चुअली मेरा उद्देश्य ये था कि शांत कहेंगे तो थोड़ा तो शांत रहेगा, लेकिन अपनी तारीफ सुन करके वो तो बिल्कुल मूर्ति की तरफ बैठ गया। थोड़ी देर में मैंने देखा ही तो हिल ही नहीं रहा,
तो मैंने अपने गेस्ट से कहा कि शांत है मगर इतना भी नहीं, थोड़ा तो हलन चलन करता है। तब उसकी जान में जान आई, थोड़ा सा हलन चलन उसने शुरू किया। तो मैंने कई बार प्रयोग करके देखा कि जब आप बच्चे की तारीफ करते हो तो बच्चा उस लायक बनने का प्रयास जरूर करता है। तो ये बात। और अंतिम जो बात जो पूछा है तुमने, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि कृपया ये भी बताएं कि बच्चों को अध्यात्म से कैसे जोड़ें। सीधा और सरल तरीका है कि बच्चे जो हैं वो कहानी सुनने में बड़ा रस लेते हैं, बहुत रस लेते हैं। और हमारे और आपके लिए कहानी कहानी होती है, बच्चे के लिए कहानी कहानी नहीं होती है। आप परियों की कहानी सुनाए, वो बच्चा मानता है परिया होती है, ऐसा ही होता है, बच्चे के लिए वो सत्य है। तो क्या करना है कि शुरू से रामायण की कहानियां, महाभारत की कहानियां, संतों की कहानियां, ये बच्चों को सुनाना है तो एक बड़ी अमिट छाप पड़ती है। मैं आपको बताऊं, जो मेरे भीतर अध्यात्म का बीज पड़ा, मेरे पिताजी वो कहानियां सुनाते थे रामायण की, महाभारत की। मैं थोड़ा जो बड़ा हुआ तो मुझसे वो अंत्याक्षरी खेला करते थे और कहते तुम कोई भी कविता बोल सकते हो लेकिन मैं केवल रामचरितमानस से बोलूंगा। रामचरितमानस की पंक्तियां उनको बहुत याद थी, तो मैं कोई भी कविता बोलता था और वे रामचरितमानस से अपना उद्धरण दिया करते थे, अंत्याक्षरी खेला करते थे। इससे दो फायदा हुआ। एक फायदा ये हुआ कि तुलसीदास के प्रति, रामचरितमानस के प्रति मेरे मन में आदर भाव पैदा हुआ। फिर काव्य में मेरी रुचि पैदा हो गई, अंत्याक्षरी खेलते खेलते काव्य में मेरी रुचि बहुत, क्योंकि पिताजी को अंत्याक्षरी में हराने के लिए मुझे नई नई कविताएं सीखनी पड़ती थी, नई नई कविताएं याद करनी पड़ती थी। और बीच बीच में फिर वो रामायण की कहानियां सुना दिया करते थे, ऋषियों की कहानियां, प्रहलाद की, भक्त प्रहलाद की कहानी, तो वशिष्ठ की कहानी, विश्वामित्र की कहानी, और भी संतों की कहानियां। तो शुरू से अध्यात्म में मेरी रुचि पैदा हो गई। तो मैं समझता हूँ कि खूब बढ़िया ये उपाय है कि बच्चों को प्रेरक कहानियां सुनाए। मैं आपको बताऊं, बिहार में ये कहानी बहुत प्रचलित है, बिहार के लोग इसको जानते हैं और लोगों ने भी सुनी होगी कि मेरी माँ एक कहानी बार बार सुनाती थी कि वो चिड़िया की कहानी, उसका उड़ी जा रही थी, उसका एक दाना गिरा और खूंटे में वो गिर गया, खूंटे में दरार थी। अब वो दाना तो बड़ा महत्वपूर्ण है उसके लिए, वो बढ़ई के पास जाती है और कहती है कि मेरा दाना निकाल दो। बढ़ई ने कहा कि तुम्हारे एक दाने के लिए मैं थोड़े खूंटा फाड़ूंगा। वो राजा के पास जाती है कि तुम बढ़ई को दंड दो क्योंकि बढ़ई खूंटा नहीं फाड़ रहा है। राजा ने कहा तुम गजब की बात करती हो, एक दाने के लिए इतना उत्पात मैं क्यों करूं। वो रानी के पास जाती है कि रानी, राजा दंड नहीं दे रहा है बढ़ई को। और ऐसे करते करते करीब 10वें लेवल पर जा करके एक चूहा, क्योंकि जाल तक कहानी जाती है कि जाल हाथी को नहीं बांध रहा है, हाथी सरोवर नहीं सुखा रहा है, सरोवर आग नहीं बुझा रहा है, आग लाठी को नहीं जला रही है, लाठी सांप को नहीं पीट रहा है, और ऐसी कहानी बढ़ती है। तो जा करके उसकी कहानी को या उसकी बात को चूहा एक सुन लेता, बोले कि हाँ चलो हम जाल को काटते हैं। अब जाल ने कहा भाई मुझे मत काटो, मैं हाथी को बांध देती हूँ। हाथी कहता मुझे क्यों बांध रहे हो भाई, मुझे तो ऐसा करो कि मैं चल करके सरोवर सुखा देते, सरोवर भी, और कह करके उसकी फरियाद पूरी होती है। तो बचपन में मुझे ऐसा बीज पड़ा कि कहीं अन्याय हो रहा है तो उसके लिए संघर्ष करो, किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई इस बात को जरूर समझेगा और तुम्हारे साथ हो लेगा। और मुझे आश्चर्य लगा कि हो सकता है महात्मा गांधी की माँ ने भी उनको ये कहानी सुनाई हो, क्योंकि महात्मा गांधी ने यही किया। जब भी कहीं अन्याय होता था वो थानेदार के पास जाते थे, वो नहीं सुनता था तो इंस्पेक्टर, उनकी आत्मकथा पढ़ो। मैं पढ़ के हैरान हुआ कि ये तो हमारे वही बचपन वाली कहानी रिपीट कम से कम की जा रही है। तो मैं कहूँगा कि अगर बच्चे को आप चाहते हो कि अध्यात्म से जोड़ो तो इस तरह से धार्मिक कहानियां, आध्यात्मिक कहानियां बच्चे को सुनाया करो। बच्चा भी खुश होगा कि मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे लोग, मेरे नाना नानी, दादा दादी कहानियां सुनाते हैं। और आप जो एक संस्कार डालना चाहते थे वह संस्कार भी उसमें डलता जाएगा।